हर घर तक नल और जल पहुंचाने की मुहिम में जुटी शिवराज सरकार ने लगभग 46 लाख परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने में उपलब्धि हासिल की है। वहीं से लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने जल जीवन मिशन के लाभान्वित ग्रामीण परिवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से सीएम शिवराज ने जल जीवन मिशन के लाभान्वित ग्रामीण परिवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। सीएम शिवराज ने ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम कर रहे शहरों में भी कोई योजना नहीं थी कांग्रेस के जमाने में पानी लाने, हमने मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाई और पीने का पानी शहरों में भी घर घर में देने का फैसला किया। मैं इस अवसर पर केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे बहनों और भाइयों, आपको पता है कितने रुपए हम खर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर घर में पीने का पानी लाने के लिए हम लोग लगभग 45,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। इतनी विशाल धनराशि है, आधा पैसा प्रधानमंत्री जी देंगे, आधा पैसा हम देंगे, तो ये इतने हजार करोड़ रुपया लग रहे। मैंने जो राशि आपको बताई, एक एक पेयजल योजना विजेंद्र यादव जी के जिले की 1200 करोड़ रुपया की योजना है, 1200 करोड़ की, 1500 करोड़ की, 2000 करोड़ रुपए की योजना हम बना रहे हैं, इसलिए कि बहनों को पानी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े और हमारी जनता को शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। पानी अशुद्ध रहता तो कई बीमारियां घर कर जाती है और कई बार तो जिंदगी ही चली जाती है, और इसलिए इतनी विशाल धनराशि हम खर्चा कर रहे हैं पीने के पानी में। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, इतना पैसा खर्चा करके पाइपलाइन डाल के घर में टोटी वाला नल लगा के हम पानी दे रहे हैं, अब ये योजना ढंग से चले, ये जवाबदारी आपकी है, ग्रामवासियों की है, ये काम अकेला नहीं कर सकते। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। राखिए बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानुष चून। ये रहीम जी ने कहा था, जल ही जीवन है, हम भी बरसों से कहते चले आए, लेकिन ये दुखद था कि आज़ादी के बाद जिस पार्टी के हाथ में देश की कमान थी, उन्हें कभी जनता के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किया। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमने 2012 में जल निगम बना के और समूह पेयजल योजना का प्रारंभ किया था, एकल पेयजल योजनाएं भी कई बनी, उसके पहले हैंडपंप से पानी देते थे, लेकिन अब संकल्प है कि हर गांव में शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से घर में टोटी वाला नल लगा के देंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के साथ ही आमजन भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।